चावल के लिए, और यहाँ पे अफ्तारी के लिए मैं चने बॉईल कर रही हूँ, और बाकी सफाइयाँ मैंने सारी खत्म कर ली हैं। लेकिन बच्चा वाले घर में कहाँ पता चलता है सफाई का, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से सारी सफाई कर ली है, और अभी बच्चों को नहलाना बाकी है। अब्दुल हादी, ये मम्मा को दे दे, इधर आए अब्दुल हादी, इधर आए, जल्दी इधर आए, जल्दी जल्दी इधर आए। बाबा किधर हैं? बाबा देखो, बाबा आए, बाबा देखो आगे, और देखो बाबा आगे, देखो बाबा आगे, चल देखो। बाबा किधर हैं? आवाज दो बाबा को, जी। यहाँ पे अफ्तारी की तैयारी करनी थी, तो बच्चों के लिए सालन बनाना था, चिकन कीमा आलू, तो बस यहाँ पे मैंने कुकर में बस बच्चों के लिए सालन जो बनाना था वो डाल दिया, चिकन का कीमा, दो प्याज, टमाटर और बाकी जो भी मसाला जार डालते थे वो डाल के, तो दूसरे साइड पे चूल्हे पे रख दिया ताकि वो भी साथ ही बन जाए, क्योंकि बच्चों ने तो खाना खाना होता है। तो साथ ही फिर मैंने समोसे बनाने थे बच्चों के लिए, तो उसके लिए भी चिकन कीमा ही चाहिए था, तो साथ में वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया था बनाना। अच्छा जी, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड चले गए थे, तो ये मेट वाला बेटा बहुत तंग कर रहा था, तो इसलिए इसको फिर मैंने ये छोटा सा काम दे दिया कि आप लहसुन और अदरक पीस रहे हो मम्मा को। और इस साइड पे मैंने कीमे जो समोसों के अंदर स्टफिंग डालनी थी वो बनाना था, तो और साथ में कीमा आलू बन रहा था, तो ये मैं जल्दी जल्दी से बना लिया ताकि बच्चों के लिए भी साथ अफ्तारी में कुछ हो जाए, बच्चों की कम पसंद। और यहाँ पे फिर मैंने बनाना था शक्कर के साथ, तो हम लोग पीते हैं तो खम मलंगा, तो मैंने कहा चलो शक्कर को भिगो देते, और साथ ही बस मैंने शक्कर को भिगोया, और फिर साथ चना चाट बनाना था, तो उसकी भी साथ में ही कटिंग कर ली, बॉयल आलू पड़े हुए थे वो काट लिए, और बस प्याज और सब चीज़ें मिक्स करके रख ली, तो फिर बाकी आलू जो हैं वो समोसों में डालने थे मैंने, तो इसलिए साथ उनको भी छील लिया, और जो जो चीज़ें उसमें डालनी थी वो भी साथ डाल ली। और समोसे तैयार करने के लिए आप सबको पता है कि इले की ज़रूरत होती है, तो बस मैंने मैदा निकाला और थोड़ा सा बाउल के अंदर डाल के पानी डाल के इले बना ली, और साथ ही समोसा पट्टियाँ भी थी, और फिर छोटे समोसे बनाने बच्चों के लिए, तो इसलिए साथ ही बस फटाफट वो भी काम कर लिया, और तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे 25 समोसा मैंने रेडी कर लिए थे। बस यहाँ समोसे भी रेडी हो गए थे, और साथ में चिकन कीमा भी रेडी हो गया था, और बस जल्दी जल्दी साथ में पकौड़े भी बना लिए थे,
तो ये अफ्तारी का भी टाइम हो गया था और बस ये हमारा थोड़ा सा मेन्यू जिसमें पकोड़े, फ्रूट चाट था और चना चाट था, दही, खजूरें और शक्कर कोला। बस बस यहाँ पे मैंने बस जल्दी से किचन को साफ़ करना था, बर्तन धोना स्टार्ट कर दिए थे ताकि जल्दी से किचन भी साफ़ हो जाए, क्योंकि बाद में बच्चों ने फिर खाना भी खाना होता है, दूध भी पीना होता है। तो बस जल्दी से बस मैंने बर्तन वॉश किए सारे और साथ में किचन को भी साफ़ किया ताकि सुबह सहरी के लिए किचन साफ़ मिले। और इसके बाद तो फिर बच्चों ने खाना भी खाना होता है, दूध भी पीना होता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। काइंडली अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें। थैंक यू।